आज मैं एक ऐसे स्टेडियम में आया हूँ जहाँ पर होने वाली है बहुत ही ज्यादा तगड़ी वाली बैटल। इस बैटल में होने वाले हैं ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। एंड ग्रुप ए में होने वाले हैं पोकेमॉन्स एंड ग्रुप बी में होने वाले हैं मॉब्स, वो भी माइनक्राफ्ट के। और इन दोनों ग्रुप का आज बहुत ही तगड़े वाला बैटल होने वाला है एंड देखते हैं कौन सा ग्रुप यहाँ पर जीतता है। और ये स्टेडियम बहुत ज्यादा ही बड़ा है और यहाँ पर हजारों मॉब एक साथ इकट्ठा होकर यहाँ बैटल कर सकते हैं, तो आप लोग सोच ही सकते हो कि ये वाला स्टेडियम कितना ही तगड़ा होने वाला है। और मैं खड़ा हूँ यहाँ पर स्टेडियम के बीचों बीच, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो। एंड हमारे पास एक चेस्ट है, इस चेस्ट में होने वाली है ग्रुप ए की टीम एंड ग्रुप बी की टीम, तो उन दोनों को आज हम लोग लड़ाने वाले हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले चेस्ट को ओपन कर देखने वाला हूं कि उसके अंदर कौन कौन से पोकेमॉन्स और कौन कौन से मॉब्स होने वाले हैं माइनक्राफ्ट के। तो चलो उसके लिए सबसे पहले मेरा इंट्रो झेल लो। हेलो वेलकम गाइस टू माय चैनल क्रिक्सी गेमिंग। तो मैं हूं क्रिस नैस, आपका दोस्त, इस चैनल का होस्ट। तो गाइस, तो आज होने वाली है इस स्टेडियम में ग्रुप ए और ग्रुप बी की बहुत तगड़ी वाली बैटल। आज मैं इस बैटल के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। तो चलो सबसे पहले हम लोग यहां पर चेस्ट खोलते हैं एंड इस चेस्ट में देखते हैं यहां पर कौन कौन से पोकेमॉन है। तो ओके, यहां पर चेस्ट के अंदर है ब्लास्टोइस जो कि एक वाटर टाइप पोकेमॉन है। एंड सेकेंड में हमारे पास है वेनासॉर जो कि एक ग्रास टाइप पोकेमॉन है। साथ ही साथ यहां पर है चारिजार्ड जो कि एक फायर टाइप पोकेमॉन है। ये तो हो गए ग्रुप ए के पोकेमॉन्स। तो ग्रुप बी में हमारे पास यहां पर सबसे पहले इवोकर, तो देख पा रहे हो यहां पर इवोकर है। एंड सेकंड में है यहां पर रेवेजर। ओके, तो यहां पर थर्ड में होने वाला है वार्डन जो कि बहुत तगड़ा मॉब है। तो यहां पर तगड़े तगड़े मॉब्स भी हैं, साथ ही साथ तगड़े तगड़े पोकेमॉन्स भी हैं। तो इन तीनों पोकेमॉन का आज बैटल होने वाला है, वो भी बहुत ज्यादा ही तगड़े वाला। ओके गाइस, तो यहां पर स्टेडियम बहुत ज्यादा ही बड़ा है, बट यार हमारे पास इतने पोकेमॉन्स नहीं है कि इस स्टेडियम में अट जाए। तो यहां पर हम लोग सबसे पहले बैटल कराने वाले है इवोकर वर्सेस वेनोसॉर का। ओके, तो यहां पर सबसे पहले हमारा एक इवोकर लाते हैं सबसे पहले इस साइड। ओके, तो यहां पर इवोकर आ चुका है जैसे कि देख पा रहे हो। एंड साथ ही साथ हमारे पास आ चुका है वेनोसॉर, तो वेनोसॉर यहां पर आ चुका है। तो यहां पर दोनों की फाइट भी स्टार्ट हो चुकी है जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। भाई साहब, एक बारी में पूरा का पूरा इवोकर चले गया। तो चलो यहां पर वेनोसॉर जीत चुका है, तो चलो इसको ले लेते हैं सबसे पहले वापस। तो गाइस, अब फाइट होने वाली है 10 इवोकर वर्सेस एक वेनोसॉर। तो यहां पर जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो इवोकर वेनोसॉर पर अटैक करने लग चुका है और यहां पर बहुत तगड़ी वाली फाइट चल रही है जो कि देख सकते हो वेनोसॉर का यहां पर डैमेज कुछ ही हुआ है। एंड यहां पर वेनोसॉर एक एक कर सबको खत्म करी जा रहा है और पावर अप करने के बाद वो सब पर अटैक करे जा रहा है। एंड अभी तक 10 में से कोई भी इवोकर उसे मार नहीं पाया है, यानी कि 2 ही हिट किया अभी तक। और यहाँ पर बहुत तगड़ी वाली फाइट चल रही है एंड जा रहा है वेनोसॉर दूसरे को मारने के लिए। उसने अटैक किया और अटैक मिस हो चुका है जैसे कि देख पा रहे हो, और फिर से अटैक किया उसने एंड यहाँ से इसने क्रोकोडाइल छोड़ दिया जैसे कि देख पा रहे हो। ओके, एक बारी में वेनोसॉर ने उसे ख़त्म कर दिया। और एक इवोकर यहाँ पर छुपा हुआ था तो उसको वेनोसॉर ने ढूंढ कर पिटाई करना भी स्टार्ट कर चुका है। और यहाँ पर इवोकर बहुत तगड़ा लड़ा भाई, पर यार हमारा वेनोसॉर यहाँ पर जीत चुका है और वेनोसॉर ने 10 इवोकर को मार डाला, वो भी बहुत कम डैमेज पे ही। तो चलो अब हम लोग कोई तगड़ा मॉब ट्राई करने वाले हैं जो कि होने वाला है रेवेजर वर्सेस ब्लास्टोइस। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने 2 रेवेजर समन कर दिए एंड इसी के साथ यहाँ पर हम लोग करते हैं ब्लास्टोइस को समन जो कि एक ब्लास्टोइस होने वाला है। गाइस देख सकते हो यहाँ पर ब्लास्टोइस हमारा आ चुका है एंड रेवेजर भी यहाँ पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर फाइट अभी स्टार्ट होने वाली है। ओके, तो यहाँ पर फाइट स्टार्ट हो चुकी है। ब्लास्टोइस ने उस पर अटैक करना भी स्टार्ट कर दिया जैसे कि देख पा रहे हो। यहाँ फाइट तो बहुत तगड़ी चल रही है और देखते हैं भाई, मुझे नहीं लग रहा है ब्लास्टोइस टिक पाएगा एंड रेवेजर उसे बहुत तगड़े वाला डैमेज दे रहा है। बट यार यहाँ पर अभी तक ब्लास्टोइस ने एक मार दिया। ओके, एक मार दिया, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर शायद से उसने दूसरे को भी मार डाला है। यहाँ पर देख सकते हो ब्लास्टोइस के पास बहुत कम ही डैमेज बचा हुआ है, तो शायद से ब्लास्टोइस इसमें जीत सकता है। भाई प्लीज ब्लास्टोइस तुझ कर सकता है भाई प्लीज। तो भाई देखते हैं यार, ब्लास्टोइस यहाँ पर मर चुका है। तो भाई ब्लास्टोइस ने बस एक रेवेजर मारा एंड वो दूसरा रेवेजर नहीं मार पाया। तो चलो यार कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो राउंड 2 में जीत चुका है हमारा रेवेजर। ओके, तो अब होने वाली है बहुत तगड़े वाली फाइट क्योंकि अब होने वाला है यहाँ पर तीनों के तीनों पोकेमॉन होने वाले हैं। साथ ही साथ इस तरफ होने वाला है ग्रुप बी में एक वार्डन, यानी कि एक वार्डन वर्सेस
तीन पॉकीमॉन्स। ओके, तो मैंने तीनों के तीनों इधर पॉकीमॉन समन कर दिए एंड मैं इधर समन करने वाला हूँ वार्डन, जो कि बहुत ही पावरफुल है इस अपडेट में। तो चलो मैंने यहाँ पर समन कर दिया है और देखते हैं भाई अब फाइट ये लोग कैसे करते हैं। एंड यहाँ पर ये थोड़ा सा एनालिसिस कर रहा है उनकी आवाज़ों को, तो देखते हैं भाई। वार्डन उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है और आप लोग को पता ही होगा वार्डन ब्लाइंड होता है, तो वो शायद से कुछ कर भी नहीं सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। और उसने अटैक करना स्टार्ट कर दिया क्या? ओके, उसने अटैक करना अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, हमारे पॉकीमॉन भी उस पर अटैक नहीं कर रहे हैं। ओके ओके, चलो गाइस यहाँ पर वार्डन ने अटैक स्टार्ट कर दिया अपने तरफ से और यहाँ पर देख पा रहे हो वो वेनसोर को एक कोने में ले जाकर मार डाला। भाई वेनसोर को मार ही डाला गाइस। देखते यार वार्डन धीरे धीरे मतलब एक एक कर सारे के सारे पॉकीमॉन्स को मारने वाला है भाई साहब। तो यहाँ पर अब वो किस पर अटैक करने वाला है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अब ये ब्लास्टोइज। ओके, मुझे पता था ये ब्लास्टोइज पर अटैक करने वाला है एंड यहाँ पर इसने अटैक स्टार्ट कर दिया। ओ, ब्लास्टोइज को भी ख़त्म कर दिया गाइस, जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर। एंड अब स्टार्ट हुई है फाइट चारिजार्ड वर्सेस वार्डन की। एंड देखते हैं भाई वार्डन मार पाता है कि नहीं चारिजार्ड को। भाई मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ओ भाई साहब वार्डन ने बिना ज़्यादा डैमेज खाए तीनों के तीनों पॉकीमॉन को मार डाला। भाई देख रहे हो वार्डन कितना ही पावरफुल है। एंड अब मैं ट्राई करने वाला हूँ तीन चारिजार्ड को। ओके गाइस, तो अब पॉइंट हो चुकी है ग्रुप बी के तरफ, यानी कि माइनक्राफ्ट मॉब्स की 2 पॉइंट एंड ग्रुप ए यानी कि पॉकीमॉन्स की 1 पॉइंट। तो देखते हैं गाइस ये राउंड फैसला करेगा कि कौन सा टीम जीता है, ठीक है। तो इस राउंड में होने वाले हैं 3 चारिजार्ड वर्सेस 1 वार्डन। तो यहाँ पर भाई मैच बहुत तगड़ा होने वाला है। तो मैं चारिजार्ड को सबसे पहले समन कर देता हूँ यहाँ पर। तो जैसे कि देख पा रहे हो 3 चारिजार्ड अपने आ चुके हैं एंड साथ ही साथ हमारा वार्डन यहाँ पर आ चुका है। एंड इन्होंने आते ही शायद से फाइट स्टार्ट कर दी, जैसे कि देख पा रहे हो। अब चारिजार्ड शायद से उन्हें नहीं छोड़ने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पर फाइट बहुत तगड़ी वाली स्टार्ट हो चुकी है। एंड यहाँ पर वार्डन भी उस पर बहुत ज़्यादा ही भाई, देख एक चारिजार्ड खत्म हो चुका है एंड अब बचे हैं बस 2 चारिजार्ड। ओ भाई साहब मार डाला भाई, ये वार्डन कितना गुस्से में है भाई देख। ओ भाई साहब यहाँ वार्डन ने तीनों के तीनों चारिजार्ड को मार डाला भाई, मतलब वार्डन हो चुका है विनर, यानी कि मैन ऑफ द मैच वार्डन है। एंड साथ ही साथ ग्रुप बी जीत चुका है, जो कि मैंने नहीं सोचा था कि ग्रुप बी जीत सकता है। और गाइस यहां पर जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो वार्डन के पास अभी भी बहुत हेल्थ है, यानी कि अभी भी वो 3 चारिजार्ड को आराम से मार सकता है भाई। मतलब इतना पावर वार्डन को कहां से मिल गया है भाई साहब। मतलब सोच रहे हो चारिजार्ड जब वार्डन को नहीं हरा पाया तो हम लोग का नॉर्मल बंदा उसे कैसे हराएगा भाई, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। बट यार कोई नहीं, अगर आप लोग को ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो बताना, और आप लोग ने और कमेंट बॉक्स में आप लोग ये बताना कि आप लोग शुरू से किस टीम की तरफ थे, ग्रुप ए की तरफ यानी कि पॉकीमॉन वाले ग्रुप की तरफ या फिर ग्रुप बी माइनक्राफ्ट मॉब्स की तरफ, तो बताना वो कमेंट बॉक्स में। तो चलो यार इस वीडियो को एंड करते हैं, बट उससे पहले अगर आप लोग इस वीडियो पर 500 लाइक्स कंप्लीट करवा देते हो तो मैं और भी इसकी पार्ट्स लाऊंगा, जिसमें मैं और भी पॉकीमॉन वर्सेस मॉब्स को लड़ाने वाला हूं। तो आप लोग जल्दी से लाइक करो, इस वीडियो पर एम मैंने बता दिया 500 लाइक्स। तो और गाइस अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई प्लीज इस वार्डन के लिए आप लोग सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। तो चलो गाइस आज के लिए बस इतना रखते हैं यार, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।